तो गाइस ये माल रोड और यहाँ पे शो चल रहा है, ये देख सकते हो भाई पूरा सॉन्ग वॉक आज, क्योंकि 14 फेब है और आज वैलेंटाइन डे है, तो यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है भाई, गाने वाने चल रहे हैं रोमांटिक, ये देख सकते हो लाइव परफॉर्मेंस चल रही है यहाँ पे, ये देखो लाइव परफॉर्मेंस चल रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम गैंगटॉक। तो गाइस आज गैंगटॉक का तीसरा दिन और अब हम जा रहे हैं भाई यहाँ से टैक्सी स्टैंड के लिए, वहाँ से जाएंगे भाई दार्जिलिंग के लिए, क्योंकि हम नाथुला पास नहीं जा पाए क्योंकि परमिट नहीं हो पाया भाई, लेट हो गए हम, कल हम बताते परमिट के लिए तो हमारी परमिट बन जाती, बट परमिट नहीं बन पाया तो हम नाथुला पास नहीं बन पाए, तो आज निकलेंगे भाई दार्जिलिंग के लिए। ठीक है दार्जिलिंग चलते हैं, सबसे पहले टैक्सी स्टैंड देते हैं क्योंकि यहाँ से भाई टैक्सी स्टैंड पर जाना पड़ता है। तो ये देख लो गाड़ी आ गई है, इसका प्राइस 200-300 रहता है, तो हमने 200 में कर लिया है, 200 रुपये में टैक्सी स्टैंड चलते हैं और वहाँ से दार्जिलिंग के लिए शेयरिंग गाड़ी पकड़ लेंगे। ये देखिए आज सुबह के नज़ारे यहाँ दार्जिलिंग के, यहाँ देख सकते हो भाई अभी टूरिस्ट बहुत कम है, सारी रोडें खाली पड़ी हैं, सामने के नज़ारे अल्टीमेट है, यहाँ से 3 किलोमीटर है टैक्सी स्टैंड, तो उसी टैक्सी स्टैंड पर चलते हैं फिर वहाँ से दिखाते हैं आपको शेयरिंग कैब। तो गाइस ये देख सकते हो भाई हम गैंगटॉक से सीधा आ चुके हैं दार्जिलिंग में, और जो गैंगटॉक से जो दार्जिलिंग का प्राइस है वो फिक्स प्राइस है भाई 400 रुपीज़, जिसकी आपकी टिकट कटती है तो उसमें आप कोई भी गुंजाइश नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो भाई टी गार्डन आना स्टार्ट हो चुके हैं हम, मतलब ऑलमोस्ट भाई दार्जिलिंग में आ चुके हैं, तो ये देख सकते हो भाई टी गार्डन स्टार्ट हो चुके हैं दिखना, यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब मैंने पहली बार देखा भाई टी गार्डन अपनी लाइफ में, तो मेरे को काफ़ी ब्यूटीफुल लगा भाई, मतलब टी गार्डन यहाँ पे ना काफ़ी ज़बरदस्त दिखते हैं भाई, गोल गोल से होते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त दिखते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी आपको। अभी ये दार्जिलिंग स्टार्ट हो गया है और ये देखो भाई सारी चीज़ें यहाँ पे ज़बरदस्त है, मतलब ग्रीनरी हो रही है, तो इमेजिन कर सकते हो भाई जब आप बारिश के टाइम पे आओगे तो क्या ही हरियाली होगी यहाँ पे। और ये देखो एक बार यहाँ पे भाई ये देख सकते हो भाई कितने ज़बरदस्त ट्री। सो गाइस अभी हम भाई दार्जिलिंग पहुँचने वाले हैं, यहाँ से अभी 18 किलोमीटर बचा है, तो अभी यहाँ पर रुके हैं भाई चाय नाश्ते के लिए, तो अभी हम जिस रेस्टोरेंट पर रुके हैं तो उसकी अभी हम टेरिस में हैं, छत पर हैं, तो छत से कुछ नज़ारे कुछ ऐसे हैं, ये देख सकते हो भाई ज़बरदस्त नज़ारा हो रहा है, पीछे थोड़ा सा फॉगी हो रहा होगा इस वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा इतना ज़्यादा, बाकी इधर मेरे चारों तरफ टी गार्डन ही टी गार्डन है, अगर मैं घुमा के दिखाऊँ आपको तो इस साइड पे देख रहे होगे ना ये सारे टी गार्डन है पूरा चारों तरफ, ये देखो एक बार ये सब टी गार्डन है, ये देख सकते हो ये सारा टी गार्डन है। दार्जिलिंग अभी 19 किलोमीटर है, तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं थोड़ा सा चाय नाश्ते के लिए, तो चाय नाश्ता करते हैं, बाकी यहाँ पर जो नज़ारे हैं भाई वो अल्टीमेट है, घर और भी काफ़ी ज़बरदस्त है, पूरा एकदम पीसफुल माहौल हो रहा है जैसा हमने मूवी और टीवीज़ में देखा था, उस तरह से ही कुछ हमने ऐसा पाया इसको दार्जिलिंग को, बहुत ही ज़्यादा पीस और शांति, और पीछे एकदम फॉगी वेदर हो रहा है, देख सकते हो मेरे पीछे ही फॉगी वेदर हो रहा है एकदम ज़बरदस्त, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई हमें। इधर अभी मेरे को लगता है टी हार्वेस्टिंग हो नहीं रही, जैसा कि क्या कहते हैं इतना टी में जैसा हमने देखा ना मूवीज़ में पिक्चर्स में देखा हुआ टी गार्डन, तो उस हिसाब से नहीं दिख रहा क्योंकि अभी मुझे कोई भी हार्वेस्टिंग यहाँ पे करता हुआ नहीं दिख रहा टी गार्डन पे, और वो टी गार्डन अभी थोड़ा सा खिला खिला भी नहीं लग रहा, लेकिन चारों तरफ हमारे टी गार्डन है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई ज़बरदस्त, और फॉगी हो रहा है, वरना क्लियर होता तो आपको थोड़ा सा और मज़ा आता ज़बरदस्त लगता, बट अभी क्या है कि फॉगी हो रहा है इस वजह से मज़ा नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई देखने को, तो चलते हैं दार्जिलिंग और दार्जिलिंग में देखते हैं कि दार्जिलिंग कैसा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे टॉय ट्रेन और ये सारी चीज़ें देखेंगे, टाइगर हिल अगर देखने को मिलती है तो टाइगर हिल भी चलेंगे, तो आगे मिलते हैं सीधा दार्जिलिंग में।
सो गाइस फाइनली हम दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना बड़ा शहर है ये, बहुत बड़ी सिटी है भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा आबादी है यहाँ पे, ये देख सकते हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये देख सकते हो भाई। यहाँ पे जो घर बने हुए हैं रंग बिरंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल से लग रहे हैं, देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल है और काफ़ी पीसफुल है। हम भी पहली बार आए हैं दार्जिलिंग, तो हम भी बताते हैं अपना एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है। बट यहाँ से जो देखने में चीज़ें दिख रही हैं काफ़ी ब्यूटीफुल है भाई, ये देख सकते हो, काफ़ी शॉप्स घर होटल वोटल सब स्टार्ट हो जाता है पहले से ही, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा हमें। अब यहाँ से माल रोड अभी थोड़ा सा और ऊपर है, बट हम दार्जिलिंग में पहुंच चुके हैं और हमारे राइट साइड में आप देख सकते हो भाई टॉय ट्रेन की जो पटरियां हैं रेल की, वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। जो यहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है, काफ़ी सारी टॉय ट्रेन चलती हैं यहाँ पे, जिसका प्राइस अलग अलग रहता है, 1500 और 2200 अलग अलग रेट रहता है। इंजन वाली का अलग रहता है, डीजल वाली जो होती है, डीजल वाली टॉय ट्रेन का अलग रेट होता है, और जो आपकी स्टीम वाली होती है उसका रेट अलग होता है। तो आप जिस पे करना चाहते हो उस पे कर सकते हो, वो आपको 2-2.5 घंटे में आपको पूरा यहाँ का लोकल टूर करवा देगी। दार्जिलिंग के अंदर जितने भी स्पॉट्स हैं वो सारी घुमा देगी आपको 2-2.5 घंटे में आराम से, और आप एक्सपीरियंस ले सकते हो भाई मज़े से आराम से। ये देख सकते हो काफ़ी छोटी पटरियाँ होती हैं, इसके जो स्पेस होता है काफ़ी छोटी होती हैं। और यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ आपको टॉय ट्रेन, ये देख सकते हो भाई ये खड़ी है हमारी टॉय ट्रेन, काफ़ी ब्यूटीफुल सी लग रही हैं और सीट वाली है, यहाँ पर आराम से जा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो भाई। तो ये है पूरा दार्जिलिंग, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, काफ़ी रंग बिरंगा है, मतलब कलरफुल एकदम वाइब आ रही है ज़बरदस्त वाली। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब हम पहुंच गए हैं वहाँ पे सीधा टैक्सी स्टैंड पे। सो गाइस पहुंच चुके हैं भाई हम दार्जिलिंग में, ये हमारी गाड़ी है देख सकते हो, पीछे पूरा सामान रखा हुआ है, और दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं। ऊपर की साइड पे है माल रोड, ये देखो उधर ऊपर जाके हैं माल रोड, तो अभी वहाँ चलेंगे माल रोड पे और रूम लेते हैं, ठीक है, रूम लेते हैं और फटाफट से रूम लेते हैं, चलते हैं माल रोड पे, ठीक है, और वहीं पे दिखाते हैं आपको नज़ारे। ये देख सकते हो भाई काफ़ी बड़ी सिटी है दार्जिलिंग, बहुत ही ज़्यादा रश है, आबादी है। और हम भाई कैसा लगा दार्जिलिंग आपको? अभी तो घूमे नहीं तो कैसा, यहाँ पे कैसा लग रहा है? यहाँ तो बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, देख देख के बहुत मज़ा आ रहा है। लड्डा भाई कैसा लग रहा है? लड्डा बढ़िया लग रहा है, अच्छा आ रहा है, आनंद आ रहा है, और क्या है, अभी आनंद का है आपको, अभी तो आनंद कटेगा। तो भाई ये देख सकते हो भाई, ये है दार्जिलिंग जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है भाई, काफ़ी ज़्यादा रश वाली सिटी है। और यहाँ से हम चलेंगे ऊपर को माल रोड की तरफ, ये हमारा रास्ता जा रहा है माल रोड के लिए, यहाँ से चलेंगे। पूरी शॉप्स ही शॉप्स हैं भाई चारों तरफ, यहाँ पे दुकान ही दुकानें हैं, थोड़ी सी चढ़ाई भी है भाई, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है बैग लेके चलना। अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 बज चुके हैं और चल रहे हैं माल रोड की तरफ, तो यहाँ से रास्ता जाता है माल रोड की तरफ, चलते हैं भाई सामने, आगे एक मस्जिद भी है वो भी दिखाते हैं आपको। जैसे चढ़ाई पे चढ़ो भाई सांस फूलती है, सबके साथ ही होता होगा ऐसा, इधर यहाँ पे पानी वानी आ रहा है पहाड़ों से, सब भर रहे हैं। और ये देखो यहाँ से ये रास्ता जाता है माल रोड की तरफ। तो गाइस यहाँ पे माल रोड जाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भाई चढ़ाई है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, पता ना आपको काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है भाई, तो सांस फूल रही है। तो यहाँ पे ये पूरा रास्ता जाता है, ये देख सकते हो भाई एकदम खड़ी चढ़ाई है, खड़ी बहुत ज़बरदस्त सांस फूल ली है भाई। जैसा कि देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, नीचे से माल रोड काफ़ी दूर है, नीचे उन्होंने बताया था भाई पास में ही है, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है, काफ़ी मेहनत लग रही है भाई चढ़ने में। ये देखो सबकी हालत टाइट हो चुकी है, कैसा लग रहा है? आवाज़ नहीं निकल रही है अंदर से, आवाज़ ख़त्म हो चुकी है, सांसें अटक गई हैं, सबके चेहरे देख सकते हो अभी जो रौनक थी सब उड़ गई, चेहरे की पूरी रौनक उड़ चुकी है, बहुत ही ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर आई, ऊपर आके काफ़ी ज़्यादा ऊपर आना पड़ रहा है यार। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई हम माल रोड आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पे पूरा लगा हुआ है आई लव दार्जिलिंग, ये देख सकते हो भाई पूरा ज़बरदस्त बोर्ड लगा हुआ है आई लव दार्जिलिंग का। बाकी माहौल तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अल्टीमेट माहौल होने वाला है, नज़ारे कुछ अल्टीमेट है, बहुत ज़्यादा आबादी वाला स्टेट है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रश है यहाँ पे, और पब्लिक भी बहुत सारी है भाई, पब्लिक यहाँ पे कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है। तो ये माल रोड यहाँ का कुछ ऐसा है, नैनीताल का देखा होगा आपने तो थोड़ा अलग था, यहाँ का माल रोड उससे और थोड़ा अलग है,
यहाँ पे अभी बाइक वाइक अलाउड नहीं है, तो ये बंदा पैदल लेके जा रहा है भाई, राइड करना अलाउड नहीं है। तो देखो सारे बंदे पैदल ला रहे हैं यहाँ पे, राइड अलाउड नहीं है, घसीट के ले जा सकते हो। तो बंदे घसीट के ले जा रहे हैं गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे राइड अलाउड नहीं है। ये देख सकते हो भाई, सामने भी वैसे ही सेम लेके आ रहा है बंदा, सामने भी ऐसी हाथ से लेके आ रहा है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है भाई, यहाँ पे इस मेन जगह पे माल रोड पे बाइक वाइक चलाना, गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है। तो और ये देख सकते हो भाई, ग्रीनरी काफ़ी ज़बरदस्त है। ऊपर चलते हैं, पहले रूम लेते हैं, फिर आगे का माहौल चेक करते हैं क्या माहौल है और क्या सा माहौल होने वाला है। रूम लेते हैं और आगे डिसाइड करते हैं फिर क्या करना है। अभी तो इवनिंग होने वाली है, तो कुछ ज़्यादा नहीं घूम पाएंगे, सिर्फ माल रोड कवर करेंगे। तो आपको माल रोड में दिखाएंगे, माल रोड की नाइट लाइफ दिखाएंगे कि यहाँ की नाइट लाइफ कैसे होने वाली है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहना भाई, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस ये है माल रोड और यहाँ पे शो चल रहा है, ये देख सकते हो भाई, पूरा सॉन्ग होगा आज, क्योंकि 14 फेब है और आज वैलेंटाइन डे है। तो यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है भाई, गाने वाने चल रहे हैं रोमांटिक, ये देख सकते हो लाइव परफॉर्मेंस चल रही है यहाँ पे, ये देखो लाइव परफॉर्मेंस चल रही है, पूरा माल रोड भरा हुआ है पब्लिक से, पूरा पब्लिक से भरा पड़ा है माल रोड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए। ये देखो काफ़ी बढ़िया माल रोड है यार, काफ़ी फैला हुआ माल रोड है, काफ़ी पब्लिक है भाई यहाँ पे, पूरा लाइव शो चल रहा है यहाँ पे, लाइव शो। तो ऐसा कुछ है माल रोड, अभी चल रहे हैं भाई रूम लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है आगे।